हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है साकेत और मैं आज अपने चैनल एग्जिम मित्रा पर अपना दूसरा वीडियो जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज और लाइनर टर्म्स के बारे में, उसको लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने मेरा पहला वीडियो जो कि इनको टर्म्स के ऊपर था उसको देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज वहां पर जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइनर टर्म्स। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज है गुड्स के ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता किस किस के बीच में है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कैरियर या उसके एजेंट और कंसाइनर या कंसाइनी के बीच में। दोस्तों, यहाँ पे कंसाइनर नॉर्मली सेलर होता है, कंसाइनी बायर होता है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक साइड में तो हमेशा शिपिंग लाइन रहेगा, अब दूसरे साइड में सेलर रहेगा या बायर रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। ये दोस्तों हमारा इनको टर्म डिसाइड करेगा। जैसे कि एफ टाइप इनको टर्म है, तो एफ टाइप के इनको टर्म के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा फ्रेटिंग की, हमेशा बायर लेता है, तो बायर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर सी टाइप टर्म्स हैं तो हमेशा सप्लायर करेगा। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कैरियर ऑफ गुड्स एंड द कंसाइनर कंसाइनी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज डिफाइन द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैरियर एंड अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज डिफाइन करता है कि कैरियर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और दूसरी सामने वाली पार्टी जो कि आइदर कंसाइनी होगी या कंसाइनर होगी, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। दोस्तों, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज में ये चीज़ें नॉर्मली सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज में पाई जाती हैं, जिसमें कि एक आपका प्लेस ऑफ हैंडलिंग हैंडिंग ओवर ऑफ गुड्स और डेस्टिनेशन, यानी गुड्स आपको कहाँ पे हैंड ओवर होंगी और कहाँ गुड्स का डेस्टिनेशन है, ये आएगा। दूसरा, गुड्स का डिटेल आएगा, गुड्स का नाम क्या है, गुड्स का वॉल्यूम कितना है, गुड्स का वेट कितना है, एप्लीकेबल इंटरनेशनल कन्वेंशंस उसमें लिखे होंगे। दोस्तों, मरीन सेक्टर में बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं जो कि तभी काम आते हैं जब कोई डिस्प्यूट होता है, तो किस कन्वेंशन के हिसाब से वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा वो वहाँ पे लिखा होगा। लाइबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पार्टीज लिखी होगी कि सप्लायर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या शिपिंग लाइन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेमेंट टर्म्स। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज में ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम लोग देखते हैं। अभी दोस्तों, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज की, उसको हम लाइनर टर्म्स बोलते हैं। तो दोस्तों, किसी भी पार्टी की क्या टर्म्स, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको आसान करने के लिए हमने कुछ प्री डिफाइंड टर्म्स बना दिए हैं, जिससे कि वो टर्म्स देखते ही आप आराम से समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर टर्म में कैरियर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कंसाइनर या कंसाइनी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोस्तों, ये टर्म्स कैरियर के परस्पेक्टिव से बनाए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि देखिए, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा टर्म्स है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला लाइनर टर्म है फ्री इन और फ्री आउट। इसका मतलब जो इसमें फ्री वर्ड लिखा है वो कैरियर के लिए है, वो सप्लायर के लिए नहीं है। यानी कि सप्लायर ने सपोज बुक किया है FIFO के अंडर में, तो सप्लायर ने उसको कुछ फ्रेट दिया होगा, फ्रेट कुछ एग्री हुआ होगा, तो दोस्तों उसमें न तो इन इंक्लूडेड है उस फ्रेट में और ना ही आउट इंक्लूडेड है। इनका मतलब ओरिजिन पे लोडिंग और आउट का मतलब अनलोडिंग एट डिस्चार्ज। तो यानी कि उस फ्रेट में, फ्री इन और फ्री आउट के फ्रेट में लोडिंग और अनलोडिंग दोनों कॉस्ट किसको एडिशनल बियर करनी है, सप्लायर को बियर करनी है। ऐसे ही दोस्तों, नेक्स्ट है LIFO, यानी कि लाइनर इन और फ्री आउट। तो इसमें लाइनर इन करेगा लेकिन फ्री आउट है। फ्री आउट का मतलब जो डिस्चार्ज पोर्ट पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिसीवर की होगी, न कि कैरियर की होगी। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि FILO है, FILO में क्या होगा, FILO में फ्री इन और लाइनर आउट होगा। यानी कि लाइनर इन तो करके दे देगा लेकिन, सॉरी, लाइनर इन नहीं करके देगा लेकिन आउट करके देगा, क्योंकि इनके आगे क्या लिखा हुआ है, फ्री। यानी कि ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि गुड्स डिस्पैच कर रहा है। और दोस्तों, नेक्स्ट है LILO, LILO यानी कि लाइनर इन लाइनर आउट। यहाँ पे लाइनर को दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, यानी कि जो सप्लायर ने फ्रेट दिया है ये उसमें माना जाएगा कि आपको गुड्स की लोडिंग भी आपको उधर ही करनी है और अनलोडिंग भी करनी है। अभी दोस्तों, एक बार ये और देखते हैं कि नॉर्मली ये टर्म्स तभी यूज होते हैं।
तो जैसे फ्री इन और फ्री आउट नॉर्मली सप्लायर कभी बुकिंग करेगा या कोई बुक करने वाला कभी बुक करेगा, ये नॉर्मली तब बुक किया जाता है जब रिसीवर भी एक ही होता है और इधर उधर लोडिंग करने वाला भी एक ही पार्टी होता है, क्योंकि कैरियर को अगर मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल रिसीवर और बायर से अगर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तो ये कैरियर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए सपोज अगर ओरिजिन पे एक ही बंदा है जो पूरे शिप में उसी का सामान लोड हो रहा है तो वहां पे फ्री हो जाएगा। तो वो दो तरह से है, या तो फ्री इन फ्री आउट में भी वो हो सकता है या FIL में भी वो हो सकता है। लेकिन LIFO का क्या मतलब है? LIFO में दोस्तों होगा कि फ्री आउट, यानी कि फ्री आउट का मतलब ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे बायर्स तो बहुत सारे हों तो लाइनर ने इन तो कर दिया है लेकिन फ्री आउट हो रहा है। फ्री आउट का मतलब यहाँ पे जो भी रिसीवर है उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपना गुड्स रिसीव करने की, क्योंकि पूरे वेसल में उसी का सामान है तो वो अपना रिसीव कर लेगा। दोस्तों यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि जहां भी फ्री टर्म्स लिखा है इसका मतलब वहां पर डैमरेज की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें अगर फ्री इन और फ्री आउट में से कोई कुछ भी फ्री है तो वो कैरियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कैरियर की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब कैरियर आपको जो एक फिक्स टाइम देगा उस फिक्स टाइम को हम ले टाइम बोलते हैं, और अगर उस ले टाइम में आपने गुड्स को डिस्चार्ज या लोड नहीं किया तो उसके आगे आपको डैमरेज पे करना पड़ सकता है। अब दोस्तों इसमें गेम क्या होता है? इसमें गेम ये होता है कि सपोज आपने किसी सप्लायर पे CIF ऑर्डर लगा दिया, अभी CIF ऑर्डर लगा दिया लेकिन आपने ये लाइनर टर्म क्लियर नहीं करे कि लाइनर टर्म में क्या होगा, आप तो सोच के बैठे हैं कि लाइनर आपको LILO में काम करेगा, उधर लोडिंग भी कर देगा अनलोडिंग भी कर देगा। बाद में पता चला लाइनर ने बोल दिया कि दोस्तों मेरे फ्रेट में तो ये चीज कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं है, मैंने तो अपना फ्रेट FIFO पे कोट किया है। तो यहाँ पर ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आपके लाइनर टर्म्स क्या हैं, यानी कि आप जो फ्रेट पे कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। दोस्तों ये टर्म्स नॉर्मली ब्रिक बल्क में यूज होते हैं, कंटेनर के लिए ये टर्म्स आजकल प्रचलन में नहीं है क्योंकि कंटेनर के अलग स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं CY CY, क्योंकि वो कंटेनर का एक स्टैंडर्ड अलग है कि आपको कंटेनर यार्ड से कंटेनर पिक करने हैं, कंटेनर यार्ड पे छोड़ने हैं। अगर कोई भी आपको फ्रेट कोट करता है तो वो यार्ड टू यार्ड का कॉस्ट होता है, ये अभी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन है। तो ये जो हम टर्म पढ़ रहे हैं ये नॉर्मली ब्रेक बल्क में यूज होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टर्म आता है हुक टू हुक। हुक टू हुक का मतलब है कि इसमें सब जो कैरियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुक से शुरू होती है और हुक पे खत्म हो जाती है, यानी कि उसको लोडिंग एंड पे अंडर हुक सामान मिलता है और यहाँ रिसीवर एंड पे अंडर हुक सामान वो डिलीवर कर देता है। दोस्तों नेक्स्ट एक टर्म है फुल लाइनर टर्म्स। फुल लाइनर टर्म्स में क्या होता है कि इसमें सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइनर की होती है, ये LILO का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। LILO में तो लाइनर इन लाइनर आउट था, इसमें लाइनर इन लाइनर आउट तो है ही, इसमें शोर बेस्ड स्टीवर्डिंग भी आपको वो लाइन वाला करके दे देगा। अभी दोस्तों कैसे पता चलेगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज हो गया है? तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज का वो है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग आपने देखा होगा, बिल ऑफ लेडिंग के सेकंड पेज पर हमेशा जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो एक बार उसको देख के और क्लियर हो जाता है आपको कि आपका जैसे कभी का कंफ्यूजन होता है, हम लाइन को फोन करते हैं कि FIFO टर्म्स हैं या LILO टर्म्स हैं, तो एक बार वहाँ पे BL के पीछे हम लोग देख के ये पता कर सकते हैं कि वो कौन से टर्म्स हैं। दोस्तों बिल ऑफ लेडिंग इसके अलावा दो चीज़ें और आपको बताता है, एक तो रिसीप्ट ऑफ गुड, यानी कि जब आपने वहां पर सामान जो हैंडओवर किया है तो उसको कुछ रिसीप्ट मिलेगी, तो बिल ऑफ लेडिंग वो भी काम करता है। और दूसरा एक और बिल ऑफ लेडिंग का काम है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है? क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो डॉक्यूमेंट है कि जो जो भी वो लेके जाएगा वो गुड्स उसको मिल जाएगी अगर ड्यूली एंडोज्ड है उसके नाम पे। तो दोस्तों बिल ऑफ लेडिंग इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज में। ये आपको तीन काम करके देगा, एक आपको एविडेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज का, एक ये एविडेंस है रिसीप्ट ऑफ गुड्स का, और एक ये एविडेंस है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का।
तो दोस्तों ये था वीडियो आज का लाइनर टर्म्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। दोस्तों अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगली बार फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।